देखिए, मैंने चने की दाल को अच्छे से भिगो के रख दिया, ठीक है। अच्छे से दो तीन पानी ना मल के धोया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी और नमक, और इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखें, अभी बिल्कुल कच्ची है, तो अब इसको तकरीबन 30 मिनट्स लगेंगे गलने में। तब तक मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। बहुत अच्छी भुनी हुई चने की दाल बनती है। और ये देखें, मैं वो जो गाजर की खीर होती है ना, वो बना रही हूँ। जितना भी आप लोगों ने दूध लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने ग्रेट करके कैरेट्स ऐड करनी है और चावल ऐड करने हैं। चावल आप बॉयल करके ऐड कर सकते हैं, ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं, पीस के, वो आप लोगों की अपनी चॉइस है। और इसको मध्यम सी आंच पे हम लोगों ने पकने के लिए छोड़ा है। इसकी भी आप लोगों को लास्ट पे फाइनल लुक दिखाऊंगी। 4 से 5 अगर आप लोग मुँह खोल के इलायची ऐड कर दें, तो तब तक हम लोग अपना दाल का प्रोसीजर कर लेते हैं, दाल के लिए सामान रेडी कर लेते हैं। मैं बनाने लगी हूँ चटनी। इसमें के लिए मैंने लिया है हरी मिर्चें, एक मैंने लिया, ज़्यादा मुझे स्पाइसी नहीं करना। थोड़ा सा मैंने लिया है अनारदाना, आप लोग देखते हैं साफ सुथरा। और ये है जी धुला हुआ पुदीना और धनिया, ये मैं ऐड करूँगी और इसको अच्छे से हाथ से इसका पेस्ट बना लूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने नमक ऐड करना है और ज़ीरा। नमक मैं ऐड करूँगी एक चुटकी, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, अब मैं इस डंडे से इसको अच्छे से इस तरह से कूट लूँगी। जब इसका अच्छे से पेस्ट बन जाएगा, तो फिर मैं इसमें एक अदर टमाटर ऐड करूँगी। अब मैं इसका पेस्ट काफ़ी धड़धड़ा धड़ा सा हो गया। अब मैंने एक अदर टमाटर लिया है, उसको जिस तरह मर्जी आप लोग कट कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से इसका पेस्ट बनाना इस तरह से जी। चटनी की फाइनल लुक, और अब मैं आप लोगों को फाइनल लुक दाल की दिखाती हूँ, फिर डिश आउट करके दिखाऊंगी जब मैं किसी को सर्व करूँगी। जी, मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसमें मैंने ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल, और चने की दाल में हमेशा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। और 1 टेबलस्पून के करीब भर के लहसुन, और इसको हम सोते करेंगे लाइट गोल्डन तक इसका कलर हो जाए। ये देखें, कलर हम लोगों ने गरम ऑयल में ऐड किया था, तो लहसुन तो जल्दी से कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब मैंने लिया है 1 मीडियम साइज की प्याज, ये ऐड कर दी। अच्छा सा हम लोगों ने इसका मसाला बनाना है, उसके अच्छे से भुनाई करनी है, फिर बॉयल चने की दाल ऐड करेंगे। प्याज हमारा प्याजी सा हो गया। अब मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जीरा ऐड किया साबुत, और साथ ही 1 लंबे स्लाइस में कटा हुआ टमाटो। अब हम बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। 1 टीस्पून मैंने रेड मिर्च ऐड की है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड किया, और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने ऐड किया नमक। और इसको अच्छे से मैं कवर करके छोड़ दूंगी। देखें जी, मसाला इतने अच्छे से भून चुका है। इसको मैंने ऑफ कैमरा तकरीबन 15 मिनट भुना है। ये देखें, ये निशानियाँ के नीचे लगना शुरू हो गया, साइड जो है मैंने इसके साथ साथ साफ करनी है। देखें, बेहतरीन मसाला चने की दाल का रेडी हो गया। अब मैं इसमें बॉयल चने की दाल ऐड करूँगी हमारी। ये देखिए, फुल कुक है, ठीक है। पानी अभी मैं ऐड नहीं करी, अभी मुझे पता नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, ठीक है। मैं इतनी रनी नहीं बनानी, ग्रेवी टाइप चने की दाल हम लोगों ने नहीं बनानी, थोड़ी सी ढाबा टाइप भुनी हुई दाल बनानी है। अब मैं ये देखें इसमें ऐड करके अच्छे से भूनूंगी। मैंने ऐड कर दिया, अच्छे से भूनने का टाइम आता है। देखें माशाल्लाह, मसाला की शक्ल देखें, लुक के देखें आप लोग, और दाल भी कुक्ड है फुल। यहाँ पर जी ये देखें, मैंने फुल दाल मतलब ऐड कर दिया हाई फ्लेम करके, इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, साइड साफ कर रही हूँ, और बिल्कुल जो ऑयल है वो गायब हो गया, क्योंकि चने की दाल में बहुत घी पड़ता है। अभी मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, ड्राई करूँगी जी। मैंने कसूरी मेथी ऐड की है भाप की वजह से नजर, और लौंग कलवंजी ऐड की है। का तड़का मैं लगाने लगी हूँ, घी में ऐड किया मैंने जीरा, और ये है सूखी रेड मिर्चें। अगर आप लोगों के पास गोल वाली हैं तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। सैलड काट लिया, चटनी रेडी है, और मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी फाइनल लुक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है ना, तो लाइक शेयर किया करें। एक वीडियो के पीछे यकीन माने बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग इसकी फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगे, तो लाइक शेयर जरूर किया करें, फीडबैक दिया करें। अल्लाह हाफिज़, वाओ।